हाँ भाई जवानो, आवाज आ रही है मेरी? कमेंट में लिख के बताओ जरा फटाफट। थोड़ी सी हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को, भगवान गणेश की मनोकामना आपके ऊपर बनी रहे, थोड़ी सी आपको सद्बुद्धि दे जिससे कि आप पढ़ाई कर सके। चल हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा काला हो गया शायद, ब्लैक। ब्लैक हो गई, लाइट ऑन करो। हाँ भाई कमेंट में जरा लिख के बताना सही दिखाई दे रहा है। चलो लेट क्यों हुए सर? लेट नहीं यार, थोड़ा सा यहाँ पे देहरादून में ना आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेरी गाड़ी फंस गई थी बीच में इसलिए। चलो क्वेश्चन मैंने कल कितने करा दिए थे? पांच करा दिए थे, पांच तक बता दिया था एलियन तक। अब मैं एक एक को फटाफट पढ़ते हुए चला जाता हूँ। घर के लिए मैंने होमवर्क दे दिया था, होपफुली आपने इसे रीड आउट किया होगा। वैसे तुम नालायक हो, नालायक हो कि कोई नालायक लोग पढ़ते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है। ठीक है देखना, थोड़ा सा अभी ब्लैक आ रहा है। क्लियर है ना? बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ। चले भाई स्टार्ट करें, एक बार थम्स अप मार दो फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी। हाँ भाई ब्रो, अबे ओ ब्रो ब्रो ब्रो, बाद में कर लेना ब्रो ब्रो। चलो कोई कमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते चले जाएं। जो भी कमेंट होगा बाद में होगा, जो भी डिस्कशन होगा बाद में होगा, तो इसीलिए ध्यान से सुनते चले जाना। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है, मतलब पॉइंट नंबर सिक्स में कह रहा है एक्यूज। एक्यूज के साथ प्रपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ, एक्यूज ऑफ, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति पर किसी चीज का क्या लगाना, आरोप लगाना। तो एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, तो जिस चीज का आरोप लगेगा उसके लिए आ जाएगा ऑफ। और एक्यूज का ही मीनिंग होता है इसके साथ, इसका ही एक मैंने सिनोनियम लिखा था इम्पीच। इम्पीच का भी यही मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है किसी पर आरोप लगाना। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ हमारे सेंटेंस में प्रपोजिशन क्या आ जाएगी, ऑफ। ही वॉज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, उसके ऊपर पत्नी के मर्डर का आरोप लगा। सेवन, एकिन के साथ प्रपोजिशन लगेगी टू। एकिन टू का मतलब होता है किसी के जैसा, सिमिलर होना, और सिमिलर के साथ भी प्रपोजिशन लगती है टू। तो यहां से दो वर्ड क्लियर हो गए, एकिन भी और सिमिलर भी।
तो इसका मीनिंग बनेगा एकिन टू, यानी कि हिज आइडियाज आर एकिन टू माइन, उसके जो विचार हैं वो मेरे विचारों के बिल्कुल एक जैसे हैं, उसके विचार मेरे विचारों के बिल्कुल जैसे हैं। अगला है टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है किसी के इक्वल होना। इसके साथ भी प्रपोजिशन कौन सी लगती है? टू। और इक्वल के साथ भी कौन सी लगेगी? टू। इक्वल टू, किसी के बराबर होना। टेंटामाउंट टू, किसी के बराबर होना। राहुल, अखिलेश, माया और केजरी और दीदी आर टेंटामाउंट चौकीदार। ये सारे किसके इक्वल है? चौकीदार के इक्वल है। ये एक एग्जाम्पल ऐसे ही डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कोप। कोप के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद, और इसे हम लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं इसमें, जो सारे वही प्रपोजिशन, यूं तो हजारों लाखों होते हैं, लेकिन हमें उनका क्या करना, हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो कोप विद, क्योंकि अंग्रेजी एक लिमिट नहीं है इसकी, कोई लिमिट ऐसे भाषा का कोई लिमिट नहीं होती। कोप विद, कोप विद का मतलब होता है मैनेज। कोप विद का मतलब क्या होता है? मैनेज। तो इसके साथ फिक्स। अच्छा, पेपर में क्या करेगा बेटा? पेपर में एक सबसे बड़ी गलती करता है, कोप अप विद दे देगा, और कोप अप विद होना नहीं है, अप हट जाता है वहां से। तो शी कैन कोप विद दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या से क्या कर सकती है? इस समस्या को मैनेज कर सकती है। नहीं, नोट नहीं करना, बिल्कुल नोट नहीं करना, यह सब लिखा हुआ है, बिल्कुल नोट नहीं करना, यह सब लिखा हुआ है। यह मैं आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। नोट नहीं करना, पीडीएफ कल अपलोड हो गई थी तो इसलिए नोट नहीं करना। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑन, और एक वर्ड लिख लेना अलग से, कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई चीज आए जो नहीं हो, जिसको मैं कहूं लिख लो, उसको लिखना, ये वाला लिख लो। कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब यही होता है, कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी को, ठीक है, बधाई देना किसी को। तो इसके साथ भी क्या लगेगा? ऑन लगेगा। अगर मैं कुछ अलग से लिखता हूं, जब मैं कहूंगा इसको लिख लो, तो उसे लिख लेना, जो इसमें लिखा हुआ है उसे मत लिखो, उसे तो घर पे बाद में। यार कल तो एक लड़के ने मेरा दिल जीत लिया भाई, मतलब मन कर रहा था कि इस लड़के को गले लगा लूं भाई। उसने मुझे नोट्स दिखाए अपने, और ऐसे नोट्स उसने बनाए हैं, मतलब मैंने इमेजिनेशन से बाहर हो गया, मेरी इमेजिनेशन से बाहर चला गया बिल्कुल। उसने इतने सुंदर तरीके से बिल्कुल डिजाइन करके ना, कलर्ड पेन से बादल बना के, बिल्कुल अलग कोई कॉन्सेप्ट भी है ना, तो यूं से लिख रखा, यूं 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 करके। ओह माय गॉड, मतलब वेरी इंप्रेसिव। जबकि जनरली गर्ल्स करती हैं ये काम, मतलब इतना डेकोरेटिव वे में, मतलब लगा उसको देख के कितनी मेहनत बंदा कर रहा है, इसका मतलब बच्चे हैं अच्छे मेहनत करने वाले। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। मैं उसको स्पेशली यूट्यूब पे बुलाऊंगा जरूर, ठीक है, उससे बात करूंगा एक दिन ऑनलाइन, अगर शायद वो दूर, काफी दूर का है बच्चा, यहाँ का नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ तो मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट, अगला एटोन। एटोन का मतलब क्या होता है बेटा? एटोन का मतलब होता है पछताना, प्रायश्चित करना। एटोन के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या है? फॉर। यहीं पर एक वर्ड इसको लिख लेना, अगर ये ना हो तो रिमोर्स। रिमोर्स क्योंकि पेपर में पूछता है, मैं इसीलिए लिखवाता हूं, जो भी चीज एग्जाम में पूछता है, रिमोर्स के पीछे भी प्रपोजिशन क्या आती है? फॉर। इसका मतलब भी प्रायश्चित करना। डू नॉट वाइल अवे, वाइल अवे का अर्थ दिया हुआ है वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। योर प्रीसियस टाइम, कीमती समय बर्बाद मत करो, नहीं तो यू विल हैव टू एटोन फॉर, नहीं तो तुम्हें अपने मिसडीड्स का मतलब होता है बुरे कर्मों के लिए पछताना पड़ेगा। नरेश चहल, प्रॉमिस कीजिए बेटा, कमेंट के लिए मना किया ना, एनडीए के बाद क्लास लोगे? हाँ, एनडीए के बाद क्लास लूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन, कॉन्फिडेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लगती है, ठीक है। कॉन्फिडेंट ऑफ, किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट होना, या श्योर ऑफ, ये लिख लेना। जो चीज तुम्हें लगे पीडीएफ में नहीं है उसको लिख लिया करो, ठीक है। श्योर ऑफ, सर्टेन अगर आएगा तो सर्टेन ऑफ, किसी चीज को लेकर निश्चित होना। अगर एश्योर होगा तो एश्योर के साथ भी ऑफ, किसी को दिलासा देना। तो ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, और कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ, तो श्योर के साथ भी ऑफ, ये लिख लो फटाफट। और ये कह रहा है द बीजेपी, ताजा एग्जाम्पल बनाया अभी, द बीजेपी इज कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स विक्ट्री इन 2014 इलेक्शन, 2014 के इलेक्शन में। हाँ, अभी पहले इसे पूरा कर लेते हैं, नहीं इसे कर लो भी, नहीं अभी मैं इसी से कर लेता हूँ कवर, ठीक है, जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं कॉल मार दूंगा, ठीक है।
हो गया भाई। तो कॉन्फिडेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या हो जाएगी बेटा? ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। ये देखो ये बात, देखा अभी मैंने कहा था ना नोट करना है वो वाली चीज, क्योंकि यहाँ आगे ना श्योर ऑफ ऐसे पेपर में आ जाएगा एग्जाम्पल, मेरा भाई जो है वो सक्सेस को लेकर श्योर है। अगला एग्जाम्पल है एब्सटेन, बहुत पूछता है एग्जाम में। एब्सटेन का मतलब होता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है परहेज करना। एब्सटेन का मतलब क्या है बेटा? हिंदी में लिखा हुआ है परहेज करना। एब्सटेन के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है? फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब है किसी चीज से दूर रहना, बचना। तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे हिंदी में, बनाएंगे इसको। द डॉक्टर आस्क्ड हिम, डॉक्टर ने उससे कहा टू एब्सटेन फ्रॉम, कि भाई दूर रहे। अब फ्रॉम कहां है, इसका मतलब यहां ब्लैंक था, ये यहां पर ब्लैंक था। तो एब्सटेन फ्रॉम कि भाई दूर रहे, किससे? फास्ट फूड से दूर रहे, लेस्ट नहीं तो। अब कंजक्शन में हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेस्ट का पेयर किससे बनता है? शुड से बनता है, नहीं तो, नहीं तो। लेस्ट ही शुड पुट ऑन वेट, पुट ऑन का मतलब होता है वजन बढ़ना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? वजन बढ़ना। पूरा लिख लो अगर लिखना चाहो तो, पुट ऑन वेट का मतलब होता है वजन बढ़ना। Hey, you have put on weight. तुम्हारा वजन बढ़ गया है। अगर आपको किसी को कहना है तुम्हारा वजन बढ़ गया है तो आप लिख सकते हो इसे यू हैव पुट ऑन वेट, यू हैव पुट ऑन वेट, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, यू हैव पुट ऑन वेट। तुम्हारा वजन बढ़ गया है। हो गया भाई, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन चलो भाई, डिस्पोज। लो भाई थोड़ा सा और जूम ले लिया, वो ले लिया बस। चलो जी, डिस्पोज मेरे प्यारे बच्चे, डिस्पोज के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ओ एफ, ऑफ, सिंगल एफ, जो कि यहां लिखा हुआ है। पेपर में क्या देता है बच्चे ना, पता है क्या लगाते हैं? ओ डबल एफ लगाते हैं, ये बिल्कुल नहीं लगाना, डिस्पोज ऑफ, सिंगल एफ लगाना। डिस्पोज ऑफ का मतलब दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो होता है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, किसी चीज से क्या पाना? छुटकारा पाना, ये होता है आपका डिस्पोज ऑफ। और दूसरा मतलब होता है सेल, यानी कि बेचना। दोनों मीनिंग यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, बेचना या किसी चीज से छुटकारा पाना। शी विल डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड फर्नीचर, वो अपना नया फर्नीचर क्या कर देगी? बेच देगी, और बाय अ न्यू वन, और कैसा खरीदेगी? नया खरीदेगी। ठीक है, इस मीनिंग के लिए सेंटेंस नहीं है, इस मीनिंग के लिए नहीं है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लो। यहां पर लिखो आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ माई डॉग, मैं अपने कुत्ते से छुटकारा पाना चाहता हूं। भाई मेरा पीछा छुड़ाओ इस कुत्ते से, ये इसने मुझे तंग कर दिया, किसी को भी काट लेता है, किसी को भी भौंकता रहता है, तो मैं इससे क्या करना चाहता हूं? मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। ठीक है, आजकल के कुत्ते भी नालायक हो रखे हैं, एक हमारी गली में भी है, एक दिन मुझे पकड़ लिया था नालायक ने, मेरे पैर में लेकिन जूता था, मैंने जूता मारा मुंह पे फटाक से, तुरंत गया एकदम से निकल के। पर बच्चा अगर कोई हो तो बच्चे को तो दिक्कत पैदा कर देते हैं ऐसे उसमें। नेक्स्ट, acquainted, acquainted के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है with। acquainted with का मतलब होता है familiar, किसी चीज से क्या होना? परिचित होना। acquainted with, familiar with, परिचित होना। ठीक है जी, familiar with, किसी चीज से परिचित होना। ठीक, I am not acquainted with him, मैं उससे परिचित नहीं हूं। How can I rely on him, मैं कैसे उस पर विश्वास कर सकता हूं? बताओ मैं कैसे उस पर विश्वास कर लूं जबकि मैं उससे परिचित नहीं हूं। रिलाय ऑन के साथ, रिलाय ऑन का मतलब क्या होता है? डिपेंड ऑन। रिलाय ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, किसी पर क्या होना, निर्भर होना। सर मेरे नोट्स भी तगड़े हैं, एक बार जरूर देखना, राहुल एयरमैन देखेंगे। जिस बच्चे के सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे, आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं यहाँ पे, जिस बच्चे के सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे, सबसे बेहतरीन डेकोरेटिव नोट्स होंगे,
सबसे ज्यादा मुझे पसंद आएंगे उसके, मतलब प्रॉपरली एक एक बात बिल्कुल मोतियों की तरह जो मैं लिखता हूं ना साइड में नई चीज, वो भी वो नोट करके अच्छे से नोट करना कि मुझे दिखाएगा उसको, मेरी तरफ से स्पेशल जूस पीने के लिए। ठीक है, देखो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपका भाई हमेशा छोटों की हेल्प कर सकता है ना, लेकिन वो तब हेल्प करता है जब अपने छोटों से खुश होता है। ठीक है, तो उस बच्चे को जूस पीने के लिए 500 रुपये मेरी तरफ से हैं, ये वीडियो काट के रख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा कोई भी छोटा भाई या कोई बहन, कोई भी हो सकता है, और उसने अगर खुश कर दिया, उसने कह दिया जी ये देखो, और मेरा मन खुश हो गया भाई बच्चे ने बहुत मेहनत की है, तो उसको पूर्ण रूप से जूस पीने के लिए 500 रुपये मेरी तरफ से मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ जी शशि भाई फिक्स हैं, हाँ बेटा फिक्स हैं, और अगर तू ये सोच रहा है कि इनको लर्न नहीं कर सकते तो फिर पढ़ना छोड़ दे। ठीक है, लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, इसमें भी कोई, अब इसमें भी कोई मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा कि सर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खुलेगा है, इसमें भी कोई लैंग्वेज है, ये कोई मैथ थोड़ी ना है। नेक्स्ट, लिसन लिसन टू समथिंग, किसी चीज पर क्या देना, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ये रहा लिसन टू। लिसन टू किसी चीज को या किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनना, बता, हिंदी में भी लिख रखा, इंग्लिश में भी लिख रखा, पे अटेंशन के साथ भी टू आएगा, पे अटेंशन टू समथिंग। ही डिड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना मेरी एडवाइस को ध्यान से, देयर फोर इसीलिए हिज प्लान फेल थ्रू, और फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, फेल, इसीलिए उसका प्लान क्या हो गया, फेल हुआ, इसीलिए उसका प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। हाँ, रिवीजन इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली, इसने मन जीत लिया मेरा बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सर, रिवीजन सबसे बढ़िया पॉलिसी होती है, और रिवीजन के लिए टेस्ट, और जैसे ही ये चैप्टर होगा उसके बाद प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेट्रीमेंटल के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू, और डेट्रीमेंटल का होता है मीनिंग इंजूरियस, और इंजूरियस के साथ भी लिखो फिक्स प्रपोजिशन टू, हानिकारक। देखो एग्जाम्पल दोनों के दे दिए मैंने यहाँ पर, पहला स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल्कोहल भी हेल्थ के लिए हानिकारक है। एडजसेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू आती है, और इसका मतलब होता है जब दो चीजें जैसे इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के कैसे कंट्रीज हैं, एडजसेंट हैं, तो एडजसेंट का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हुए नजदीक होना। ठीक है, तो इसका सिनोनियम लिखा हुआ एडजॉइनिंग, नजदीक होना। एग्जाम्पल के रूप में His house is adjacent to mine. उसका जो घर है वो मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर के बिल्कुल बराबर है। हाँ जी, मेरे घर के बिल्कुल बराबर है। नेक्स्ट, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, फेवरेबल, तो फिक्स प्रपोजिशन क्या है, टू, और इसका मतलब क्या होता है, फेवरेबल, फेवरेबल की स्पेलिंग सही करना, फेवरेबल की स्पेलिंग में यू आएगा, FAVOU, फेवरेबल। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून, देहरादून का क्लाइमेट इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव है टू हेल्थ, किसके लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब लिखो इंट्रोडक्शन, अच्छा लिख तो रखा वहां पे इंट्रोडक्शन, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रियम्बल, प्रियम्बल भी इंट्रोडक्शन ही होता है, प्रियम्बल के साथ भी टू, इंट्रोडक्शन के साथ भी टू। ठीक है जी, तो ये आ गया टू, प्रस्तावना जिसे आप कहते हो। संजीव ठाकुर सर, ये पता नहीं कौन से सर हैं, ठीक है बेवकूफ से सर होंगे कोई, संजीव ठाकुर सर रोट अ प्रीफेस, इन्होंने किताब, अपनी किताब का क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन, किताब के स्टार्टिंग पे के पेज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो प्रीफेस टू हिज बुक, तो ये आ जाएगा टू, ये दोनों वर्ड जरूर लिखना। ठीक है जी, दोनों वर्ड लिखना है। राज जंगित सर, मेरे पेपर में था कंड्यूसिव, अरे भाई साहब टेंशन ना लो, हम ऐसा कंटेंट पढ़ाएंगे सारे पेपरों में फंसेगा, दिक्कत लेने की बात नहीं है, बस तुम लिखते चले जाओ। हाँ भाई, बैकग्राउंड में टिक टिक की इरिटेटिंग आवाज आ रही है,
अब बताना जरा, अब भी ये बंद करो, अभी भी आ रही है क्या जरा? हो गया भाई? अगला अगला है डिफरेंट, डिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन। अभी भी आ रही है आवाज? क्यों आ रही है बच्चों को, किस चीज की आवाज आ रही है इसमें? यहाँ कैसे, किस चीज की आवाज आ रही है? ये जो आ रही है बस। और ये बंद होते ही तो सब। पता नहीं यार, अब तो यहां कुछ आवाज भी नहीं आ रही, मैंने तो एसी भी बंद कर दिया। डिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन, डिफरेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना। ठीक है, हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, उसकी ड्रेस मेरे से बिल्कुल अलग है। एंड माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, और मेरे जो विचार हैं वो तुम्हारे विचारों से बिल्कुल क्या है, अलग है। नेक्स्ट डिबार, डिबार का मतलब लिखो जल्दी से, रोकना किसी को, प्रिवेंट। और बेटे प्रिवेंट के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन आती है फ्रॉम, लिख लो जल्दी से, डिबार के साथ फ्रॉम, किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम। प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट के साथ भी सेम। स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना, किसी को कोई कार्य करने से रोकना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखेंगे तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, द स्टूडेंट वॉज डिबार्ड फ्रॉम, स्टूडेंट को रोक दिया गया, क्या कर दिया गया, रोक दिया गया फ्रॉम अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में बैठने से उसको रोक दिया गया। ये आया था पिछले साल एग्जाम में। अडेप्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू, और इसका मतलब होता है एक्लिमेटाइज, यानी कि अपने आप को ढाल लेना, परिस्थिति के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, अनुकूल बना लेना। तो फिश आर एडेप्टेड टू लाइफ इन वाटर, मछलियां जो हैं वो पानी में अपने आप को ढाल लेती हैं, पानी में रजिंदा रह सकती हैं। सर जो जैक कनेक्ट है, जैक कनेक्ट है ये वाला कि नहीं? कर दिया भाई जैक कनेक्ट मैंने। अब बता, अब भी हिलने की आवाज आ रही है। इसका एक और एग्जाम्पल था, शी एडेप्टेड हर सेल्फ, उसने अपने आप को ढाल लिया टू द एडवर्स सिचुएशन, परिस्थिति के विपरीत, परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ढाल लिया। तुम्हें भी ढालना पड़ेगा, हर फौजी को अपने आप को ढालना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एपिटाइट, मेरे प्यारे बच्चे यूं तो एपिटाइट होती है भूख, लेकिन यहां पर एपिटाइट का मतलब क्या है, डिजायर। तो एपिटाइट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फॉर, और डिजायर के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन लगती है फॉर। डिजायर और एपिटाइट दोनों के साथ फॉर लगता है। और कभी कभी एग्जामिनर जो है डिजायरस पूछ लेता है। डिजायरस और डिजायर में फर्क यह है कि डिजायरस एडजेक्टिव होता है, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है ऑफ, इच्छुक होना, और यह होता है इच्छा रखना। तो डिजायर क्या होता है, नाउन। एपिटाइट भी क्या होता है, नाउन। इन दोनों के साथ फॉर लगता है और डिजायरस के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, आगे पूछ लेगा, आगे चल के एग्जाम में आएंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वहां पे भी मिलेगा ये क्वेश्चन, तो उसको नोट कर लेना। फॉर, टू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, किसी चीज की इच्छा रखना, है ना, किसी चीज की इच्छा रखना। ही हैज नो एपेटाइट फॉर मनी, उसको पैसे की इच्छा नहीं है। हो गया, नेक्स्ट अगला वर्ड क्या है हमारा, कैपेबल, किसी चीज के कैपेबल होना, ये वर्दी कर लेना, WORTHY, वर्दी। तो किसी चीज के लायक होना, कैपेबल का मतलब है आप किसी चीज के लायक हैं, कैपेबल हैं, तो इसका मतलब किसी चीज के आप लायक हैं। तो जब आप किसी चीज के लायक हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं कैपेबल। तो मेरे प्यारे बच्चे कैपेबल के साथ प्रपोजिशन लगती है ऑफ, और यहीं पर एक वर्ड लिख दो, कैपेबल तो है एडजेक्टिव, और एक वर्ड आता है इसी से बनके, कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी क्या होता है, नाउन, कैपेसिटी इज नाउन, इसके साथ लगता है फॉर, लिख लो फटाफट, कैपेसिटी नाउन और कैपेबल एडजेक्टिव, कैपेबल के साथ ऑफ और कैपेसिटी के साथ फॉर। इस बार पेपर में आया था,
ए डी ई पी टी बेटा, ए डी ई पी टी, ए डी ई पी टी, एडेप्ट के साथ इन, ये वाला एडेप्ट, इसका मतलब होता है निपुण। आएगा यार ये भी आएगा, बस मुझे यही तो तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती। जब तुम्हें पता है तुम्हारे सर ऐसे हैं कि एक एक बाल की खाल निकाल देंगे आगे तक, तो तुम वेट करो उसका, आएगा वो भी आएगा। अभी ए डी ए पी टी आया है, आगे ए डी ई पी टी आया है। एक तुनक तुनक की आवाज आ रही है। शिवम परमार, परमार बेटे देखो ये बात गलत नहीं है, तुझे नहीं लगता ये बात गलत है? यहाँ पे ऐसे कमेंट करना गलत बात है। बच्चों बताओ क्या इसकी बात गलत नहीं है? ये पढ़ते समय क्या ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहिए जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक भी वास्ता ना हो? है किसी अच्छे इंसान का नाम ले ले जो पढ़ाई पढ़ाई में थोड़ा बहुत ध्यान देता हो। बताओ गलत बात नहीं है ये? दिमाग भटकाने वाली बात नहीं है? ये बातें तो YouTube पे बहुत होती हैं, यहां भी ये सारी बातें। चलो भाई अगला वर्ड है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड। लिखो एक वर्ड डिप्राइव्ड, और बिरेफ्ट के साथ लगता है प्रपोजिशन ऑफ, डिप्राइव्ड के साथ भी प्रपोजिशन लगता है ऑफ। मीनिंग होता है दोनों का वंचित होना, एरा, ठीक है? डिप्राइव्ड एरा ऑफ, डिवॉइड का मतलब भी किसी चीज की कमी होना, वंचित होना ऑफ, तीनों के साथ ऑफ लगेगा। फटाफट लिखो, डिवॉइड भी डिप्राइव्ड भी। पहला एग्जाम्पल, ही इज बिरेफ्ट ऑफ कॉमन सेंस, इसका मतलब उसके अंदर कॉमन सेंस की क्या है, कमी है, उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। यार ये तुनक तुनक की आवाज कहां से आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। एप्लीकेशन में खोल के देखना, ले मेरे इसमें चेक कर क्या आवाज आ रही है। हाँ भाई तुम्हें भी आ रही है क्या? तुनक तुनक की ये इसको ही आ रही है। पता नहीं यार, फैन की, फैन तो है भी नहीं इस रूम में। अरे मुझे क्या लग रहा है ये शायद इसी की आ रही है, ये जो इसकी। ना चलेगा नहीं, कपड़ा डाल इसके ऊपर, डाल के देखना एक बार, कुछ यहाँ इसके ना पीछे की तरफ डालना, यहाँ पे ये इसमें से आ रही है। नहीं थोड़ा दूर को रखना ना हल्का सा। ये बताओ मेरी क्लास में ही आती है या बाकी टीचर्स की भी आती है? क्योंकि इस स्टूडियो से केवल मैं ही क्लास लेता हूं, बाकी सब दूसरे स्टूडियो से लेते हैं। देख भाई, बिरेफ्ट के साथ ऑफ, डेप्राइव्ड के साथ। अ पर्सन डेप्राइव्ड ऑफ हेल्थ, जिसके पास हेल्थ नहीं है, इज बिरेफ्ट
ऑफ, इसमें भी ऑफ आ जाएगा, इज बिरेफ्ट ऑफ वेल्थ, उसके पास धन संपत्ति भी नहीं है। जिसके पास हेल्थ नहीं है उसके साथ उसके पास वेल्थ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, जहां धन, जहां हेल्थ नहीं वहां वेल्थ भी नहीं। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, डेविएट के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी आती है? फ्रॉम, रास्ता भटकना, ठीक है, चेंज द कोर्स, रास्ते से भटकना, ठीक। डू नॉट ट्राई टू डेविएट फ्रॉम योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य से मत भटको। इम्पार्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी आती है? टू, इम्पार्ट टू, मीनिंग क्या होता है इसका? प्रोवाइड, प्रदान करना, ठीक है। इम्पार्ट क्या, इम्पार्ट, इम्पार्ट का वैसे मतलब होता है किसी को ज्ञान देना, क्या देना? ज्ञान देना किसी को, ये होता है इम्पार्ट। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है क्या? टू इम्पार्ट नॉलेज टू, यहाँ आएगा टू, नॉलेज के बाद टू, टू इम्पार्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को ज्ञान देने का। सर मैं इंग्लिश समझ लेता हूं, हाँ बोलना नहीं आता, बोलने के लिए भी करेंगे कुछ ना कुछ स्पोकन का जुगाड़ आपके लिए, एक बेहतरीन चीज। चलो नेक्स्ट, ग्रंबल का मतलब होता है किसी चीज पर गिड़गिड़ाना। ग्रंबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट, शिकायतें होना, ठीक है। वन शुड नॉट ग्रंबल एट, एट वंस इंडिजेंस, इंडिजेंस होती है पॉवर्टी। एक व्यक्ति को अपने गरीबी पर रोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वन हैज एनफ टाइम टू बिकम रिच, क्योंकि जीवन मिला है उसको अमीर होने के लिए। अगर मान लो इब्राहिम लिंकन या अब्दुल कलाम या धीरू भाई अंबानी ये अपनी गरीबी पर रोए होते तो कभी ये इतने अमीर नहीं हुए होते, ठीक है। कोई पैसे से अमीर हो गया, कोई इज्जत से अमीर हो गया। तो इसीलिए इंसान को गरीब होने पर रोना नहीं चाहिए कभी भी, बस मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल, इल, चलिए भाई, इल जैसे आपने देखा था सफर के पीछे हम क्या प्रपोजिशन लगाते हैं, सफर के पीछे हम प्रपोजिशन लगा रहे थे फ्रॉम। ऐसे हमने एफ्लिक्ट के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगाई थी? ऐसे याद होने चाहिए, जैसे मेरे को याद है एफ्लिक्ट के साथ क्या लगाया था? विद। ऐसे इल के साथ भी क्या लगाएंगे? बीमार होने के लिए विद। तो हिज फादर वॉज इल फ्रॉम नहीं करोगे, क्या करोगे? वॉज इल विद फीवर, फीवर से पीड़ित थे। अगला है मीनेस, मीनेस का मतलब होता है खतरा, और खतरा मैंने हिंदी में वहां पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसका सिनोनिम बनेगा थ्रेट। तो थ्रेट के साथ में भी प्रपोजिशन टू और मीनेस के साथ भी प्रपोजिशन टू, दोनों के साथ टू आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, टेररिज्म आतंकवाद इज अ मीनेस टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या होती है? मानव जाति। मानव जाति के लिए आतंकवाद जो है वो क्या है? एक खतरा है, मतलब किसी एक कंट्री के लिए नहीं, ये पूरी मानव जाति, पूरे विश्व के लिए आतंकवाद खतरा है, ठीक है। स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते और जानवर हैव बिकम क्या बन गए हैं? मीनेस, मीनेस मतलब खतरा टू किसके लिए? द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। हाँ भाई, हो गया, मानव जाति के लिए ये क्या है? खतरा है। आवारा कुत्ते नहीं, आवारा कुत्ते नहीं, आतंकवाद। और आवारा कुत्ते और जानवर किसके लिए है? उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि योगी जी ने कहा है हाथ मत लगा देना, नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा सबके ऊपर। देख भाई, फॉन्ड और इनेमर्ड दोनों का एक ही मतलब होता है, किसी चीज को पसंद करना, शौकीन होना। दोनों के साथ प्रपोजिशन क्या आएगी? ऑफ, फॉन्ड ऑफ, इनेमर्ड ऑफ। एग्जाम्पल से समझेंगे, शी इज इनेमर्ड ऑफ सिंगिंग, उसे गाने का शौक है, और ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पबजी, और उसे किसका शौक है? पबजी खेलने का शौक है। दोनों के साथ ऑफ प्रपोजिशन। डिजायरस के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी होगी? ऑफ, डिजायरस ऑफ, किसी चीज की इच्छा रखना, है ना। डिजायरस मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, एडजेक्टिव है, इसके साथ लगता है ऑफ। और अगर आ गया डिजायर, डिजायर है नाउन, इसके साथ आता है फॉर, डिजायर के साथ फॉर। ही इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेस, उसकी इच्छा है आर्म फोर्स को ज्वाइन करने की। ही इज डिजायरस ऑफ ज्वाइन, अच्छा एक ही एग्जाम्पल दोनों बार आ गया, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं कहूं कि बच्चों इस सेंटेंस को डिजायर से बना के बताओ, तो डिजायर से देखो कैसे बनेगा, यही वाला सेंटेंस लिखो, ही हैज डिजायर फॉर
joining the armed forces यहां से लिख लेना पूरा armed forces लिख लो, ये वाला क्वेश्चन लिखो फटाफट कि desirous से तो कैसे बनाया हमने और desire से कैसे बनाया, desire के साथ for, desirous के साथ of, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ joining का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है ये बताओ, जॉइनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ फटाफट जल्दी से, पानी ला देना अच्छा, जॉइनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ रे ओए नालायको, नहीं तुम्हारे सर पीट दूंगा सबके। बात नाउन है ये, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है जिरेंड नाउन। अगला है अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, अफ्रेड का मतलब होता है किसी चीज से डरा हुआ होना, अफ्रेड ऑफ समथिंग, ठीक है फ्राइटेंड ऑफ समथिंग, माय डॉटर इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, मेरी डॉटर को स्विमिंग से डर लगता है, शी इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, तो हाइड्रोफोबिक बंदा कैसा बंदा होता है जिसको पानी से डर लगता है। वर्स्ड, वर्स्ड का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना मैं दो तीन वर्ड बोलूंगा आप लोगों के लिए, वर्स्ड का मतलब होता है स्किल्ड, किसी काम में निपुण होना, इसी का सिनोनिम आता है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट निपुण होना किसी काम में, इसी का सिनोनिम होता है एडेप्ट, ठीक है पेपर में इनमें से कोई सा भी पूछ लेता है, इसके साथ भी इन, इसके साथ भी इन, इसके साथ भी इन, इसके साथ भी इन, लिखो फटाफट जल्दी से, निपुण होना किसी काम में निपुण होना। मिस्टर राम कुमार शर्मा इज वर्स्ड इन, यहां पर आ जाएगा वर्स्ड के बाद इन, संस्कृत में क्या है निपुण है, इसका मतलब उन्हें संस्कृत अच्छे से आती है। हाँ भाई लिख लिया, नेक्स्ट मिस्टर रामकुमार शर्मा इज वर्स्ड इन संस्कृत, नेक्स्ट एग्जांपल, अगला वर्ड क्रेव, क्रेव का मतलब क्या होता है बेटा, क्रेव का मतलब भी होता है डिजायर, और हमने डिजायर के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगाई थी फॉर, क्रेव के पीछे भी कौन सी प्रपोजिशन लगेगी फॉर, क्रेव फॉर डिजायर फॉर, पहला एग्जांपल ही इज क्रेविंग फॉर अ लग्जूरियस लाइफ, उसकी इच्छा है एक लग्जूरियस लाइफ जीने की। रिफ्रेन, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एब्सटेन, एब्सटेन और रिफ्रेन का दोनों का एक ही अर्थ होता है, एब्सटेन के पीछे भी फ्रॉम और रिफ्रेन के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम, इसका मतलब होता है दूर रहना, रेसिस्ट बचना, किसी चीज से परहेज करना, दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये देखो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल में है यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, तुम्हें दूसरों के बारे में अपशब्द बोलने से, गलत बोलने से बचना चाहिए, दूसरों के बारे में हमें गलत नहीं कहना चाहिए। अगला वर्ड है क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है किसी को कस के पकड़ना, है ना, हक करना, टाइट से जोर से पकड़ लेना, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी है टू, एग्जांपल क्या है द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू इट्स मदर, बच्चा जो है अपनी माँ को पकड़े हुए था डर के मारे, इन फियर, कस के पकड़ा हुआ था अपनी माँ को उसने डर के मारे। नेक्स्ट अगला है कंपेंशेट, कंपेंशेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी, कंपेंशेट का मतलब होता है नुकसान की पूर्ति करना, प्रपोजिशन इसके साथ लगती है फॉर, फुलफिल द लॉस, नुकसान की पूर्ति करना।
द गवर्नमेंट कंपेंसेटेड, गवर्नमेंट ने नुकसान की भरपाई की, किसकी, उनके नुकसान की भरपाई की, किस चीज के लिए, फॉर देयर लॉस इन फ्लड, बाढ़ में जो नुकसान हुआ था उनका, उसके नुकसान की भरपाई की। हो गया, नेक्स्ट अगला है बार्क। बार्क का मतलब है किसी के ऊपर भौंकना, तो बार्क एट समवन, किसी के ऊपर भौंकना। द डॉग वॉज बार्किंग एट पोस्टमैन, कुत्ता जो है वो पोस्टमैन के ऊपर भौंक रहा था। नेक्स्ट है बिवेयर। बिवेयर का मीनिंग लिखो जल्दी से, कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस, ठीक है। या इसी के लिए एक वर्ड आता है वेरी, WARY, वेरी, इसके साथ भी ऑफ लगता है, कॉशियस के साथ भी ऑफ लगता है, और बिवेयर के साथ भी ऑफ लगता है। इन सभी के साथ क्या लगता है, ऑफ, अलर्ट होना, किसी चीज से सतर्क होना, सावधान होना। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख लो फटाफट, देखो जरा क्या है, कॉशियस तो यहां पे दिया हुआ है। बिवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो ऐसे दोस्त जो मुसीबत में आपको धोखा दे जाएं, तो ऐसे साथियों से, ऐसे दोस्तों से क्या रहें, सतर्क रहें। कुत्तों का केस सुना आपने, कुत्तों से सावधान रहें। बिवेयर फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है, मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको, हिंदी में देख लेना इसको, कौन से, सुख के साथी, है ना, मीन्स फ्रेंड्स हु लेफ्ट इन लर्च, जो मुसीबत में आपको छोड़ देते हैं, ठीक, ऐसे दोस्त जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ देते हैं। बिवेयर ऑफ डॉग्स, ये नेम प्लेट पे लिखा रहता है, आपने देखा होगा अगर बाहर लिखा रहता है, घरों के बाहर, है ना, गेट पे, बिवेयर ऑफ डॉग्स, लेस्ट, ए हटा दो यहां से, ये स्पेलिंग गलत होगी, लेस्ट यू शुड, लेस्ट का पेयर शुड से, लेस्ट यू बी, यू शुड बी बिटन। अब देखो बाइट, बाइट मतलब होता है काटना, सेकेंड फॉर्म होती है बिट, और थर्ड फॉर्म होती है बिटन, तो कुत्ता जब काटता है तो उसे बाइट करता है, तो बाइट, बिट, बिटन, तो ये पैसिव वॉइस है, मॉडल के पीछे बी लग गया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, नहीं तो तुम काट लिए जाओगे, किसके द्वारा, कुत्तों के द्वारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा था बिवेयर, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अवेयर। अवेयर के साथ भी कौन सी फिक्स प्रपोजिशन लगेगी, अवेयर ऑफ, किसी चीज से के बारे में नॉलेज होना, टू हैव द नॉलेज, किसी चीज की नॉलेज होना, जागरूक होना किसी चीज से। नेक्स्ट, वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, हमें इस चीज से जागरूक रहना चाहिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, अप्राइज। अप्राइज का मतलब है किसी चीज की सूचना देना, इंग्लिश में इसका अर्थ है इन्फॉर्म करना, अप्राइज समवन ऑफ समथिंग, किसी चीज की जानकारी देना। द पीएम कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट, तो कॉल्ड ऑन का मतलब यहां पर क्या है बेटा, विजिट, कॉल्ड ऑन का मतलब होता है विजिट, तो प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, किस चीज के लिए की, टू अप्राइज हिम, उन्हें सूचना देने की, क्या सूचना, ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन कश्मीर, कि कश्मीर में जो समस्या, आंतरिक समस्या चल रही है, उसके बारे में सूचना देने के लिए उन्होंने मुलाकात की। अच्छा जी, वर्दी, वर्दी मैंने अभी बताया था, किसी चीज के प्रशंसा के लायक होना, किसी चीज के लायक होना, कैपेबल, तो वर्दी के साथ भी क्या आती है, प्रपोजिशन ऑफ, वर्दी ऑफ समथिंग, किसी चीज के लायक होना। ऑल्दो ही गॉट द जॉब, भले ही उसे नौकरी मिल गई, भले ही उसे नौकरी मिल गई, लेकिन फिर भी ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ इट, वो इसके लायक नहीं था, नौकरी मिली उसे लेकिन वो इसके लायक नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है सीडिंग। सीडिंग के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है विद, और सीडिंग विद का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसमें होना, गुस्से में होना, एक्सट्रीमली एंग्री। द रेजिडेंट्स ऑफ करनपुर, करनपुर के जो रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स, आर सीडिंग विद एंगर, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, ओवर, किस वजह से, पुलिस की लापरवाही की वजह से। अपैथी, अपैथी का मतलब लिखो इनडिफरेंस, इन डिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब लिखो लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ, INTERESTलैक ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं अपैथी।
चलिए अगला क्वेश्चन है वेंचर। वेंचर का मतलब क्या है भाई? वेंचर का मतलब है कोई काम शुरू करना, स्टार्ट डूइंग समथिंग, कोई नया काम शुरू करना। इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगती है? अपॉन। एग्जाम्पल, ही हैड अ ग्रेट लॉस लास्ट ईयर, पिछले साल उसे बड़ा नुकसान हुआ। देयर फोर, इसीलिए ही विल नॉट डेयर टू वेंचर अपॉन, यहां पर आ जाएगा वेंचर के बाद अपॉन, इसीलिए वो एक नया बिजनेस शुरू करने का साहस नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगला वर्ड है वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया वेरी का मतलब होता है कॉशियस, सावधान, सतर्क, और ये मैंने बिवेयर में भी बताया था। और इनके साथ क्या लगता है? ऑफ। वी शुड बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, हमें अजनबियों से क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। देखो बच्चे, डिजायर का मैंने भी बताया था फॉर, यर्न का मतलब भी डिजायर फॉर, तो डिजायर फॉर, यर्न फॉर, इच्छा रखना किसी चीज की। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यर्न फॉर, आ जाएगा यहां पर फॉर, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इच्छा रखते हैं बिकमिंग ऑफिसर इन डिफेंस फोर्सेज, यानी कि डिफेंस फोर्सेज में क्या बनने की, अधिकारी बनने की वो क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट। वेट फॉर, जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो उसके लिए, जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो वहां वेट के पीछे कौन सी प्रपोजिशन लगती है? फॉर। वेट फॉर समवन या समथिंग। तो जैसे अगर हम एग्जांपल चेक करें इसका, तो हमारे पास एग्जांपल है हु इज वेटिंग फॉर यू एट सर्वे चौक, सर्वे चौक पर तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे बना दूं, हु इज अवेटिंग गैप यू एट सर्वे चौक, अब बताओ यहां पर कौन सी प्रपोजिशन आएगी? बताओ जल्दी से कौन सी प्रपोजिशन आएगी, फटाफट बताओ। हाँ जी, तो यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी क्योंकि अवेट किसके इक्वल होता है? वेट फॉर के इक्वल होता है, ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। नेक्स्ट है ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ट्रिफल विद मतलब मजाक उड़ाना, है ना, मेक फन, हिंदी में लिखा है मेक फन, इंग्लिश में डू नॉट ट्रिफल विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की फीलिंग्स के साथ मत खेलो, है ना, दूसरों की फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाओ। लो भाई, जो होमवर्क दिया था मैंने, प्रपोजिशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद, हाँ जी, अब इसके बाद आज हम करेंगे वोकैबुलरी, और अगली प्रपोजिशन इससे आगे जो मैं पढ़ूंगा, अब मैं ऐसे क्या करूंगा, तुम्हें पहले ही दे दिया करूंगा एक दिन पहले, तभी उसको पढ़ाया करूंगा। इससे अच्छा क्या होगा कि तुम लोग पहले उसको लिख भी लिया करोगे और एक बार पहले पढ़ भी लिया करोगे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जो घर पे पढ़ के नहीं आएगा उसका तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं कल पढ़ाऊंगा उसका पहले ही पीडीएफ आपको दे दूंगा, इससे आगे की पीडीएफ आज ही चली जाएगी, ठीक मेरे भाई। अब हम कर रहे हैं वोकैबुलरी, चलो भाई ले आ फटाफट जल्दी से, तब तक तुम मुझे कोई चुटकुला सुना दो। लेकिन तुम सुनाओगे कैसे, तुम तो सामने भी नहीं हो, सारे नोटबुक में लिखने हैं, नहीं लिखने मत लिखो, और लिखने हैं तो लिख लो,
अगर 500 रुपये जूस के लिए चाहिए तो लिख लो, अगर पीना है जूस तो। भाई ये तुनक तुनक की आवाज जो है मैं कल चेक करूंगा, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रही। देख येरा, देख येरा माइक, येरा निकालू इसको। ए ये ले, डाल दिया। अब बता इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मुझे चेक करवाना पड़ेगा दूसरा माइक इसमें, है ना। आप सुनाइए कुछ, मैं क्या सुनाऊं यार, मेरे पास सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ पढ़ाने के लिए है, सुनाने के लिए क्या है। एक शायरी तुझे सुबह सुनाई तो थी मैंने, वो क्या कहते हैं, गुलाब वाली, गुलाब के फूल वाली सुनाई थी, गुलाब के फूल वाली ला रहा है वो, एक सेकेंड बच्चा वो ला रहा है, क्या कहते हैं पीपीटी उसकी, वोकैबलरी वाली। नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं क्या? नाउन और प्रोनाउन एक साथ, देखो अब एक साथ तुम किस सेंस में कह रहे हो ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ कैसे। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन जाते हैं जहां रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है उसके साथ नाउन आ जाता है ना, तो ये अलग बात है, ये बड़ा टॉपिक है, जब प्रोनाउन पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। बुक कब मिलेगी सर आपकी? बुक मिलेगी मेरी, मैं बुक तैयार कर रहा हूँ, बुक मिलेगी सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर एंड तक मिलेगी। आप कहाँ रहते हो सर? मैं देहरादून में रहता हूँ भाई। अरे प्रियांशु जल्दी दे दे भाई। देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे, तुम करते रह जाओगे तैयारी दोस्तों, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। हाँ भाई लिया। हेलो हेलो, अबे नालायक आदमी फोन उठा रहा है, आवाज नहीं। हेलो जल्दी ला। अरे यार इस लड़के ने मेरे दिल की बात छीन ली भाई। देख स्पैम मत कर, इतना बड़ा सा कमेंट मत कर। अभी मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं हफ्ते में 2 टॉपिक पढ़ाया करूंगा, 3 दिन में 1 टॉपिक, मतलब 1 टॉपिक दिया करूंगा, पढ़ाया करूंगा, उसे दूसरे दिन तैयार क्या करूंगा। वो टॉपिक जो वो जो बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ
उस बैच का नाम है एसएसबी बैच, यानी कि जीडी बैच, ग्रुप डिस्कशन बैच, एसएसबी बैच। कैसे? उसमें जैसे टॉपिक दे दिया यूनाइट इंडिया इन यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इंडिया का यूनाइटेड नेशन में क्या रोल है, तो इसके बारे में पूरा मैं आपको लिखवाऊंगा, आप उसको रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, और फिर हम वन बाय वन उसको बोलने की कोशिश किया करेंगे। मैं यहाँ से बोला करूँगा, आप अपने घर पे बोला करेंगे, और जो इस टॉपिक की नॉलेज होगी वो मैं आपको लिखवाया करूँगा इजी लैंग्वेज में, ठीक है? क्योंकि ये वाली स्पोकन से कोई काम नहीं होने वाला, जो ये वाली हम पढ़ते हैं, रोहन गाना गाता है, मोहन खाना खाता है, राधा नाचती है ना, कोई काम नहीं आता। जो बच्चे पेपर देने एसएसबी में जाते हैं ना जीडी, उन्हें पता है कि वहाँ टॉपिक ही काम आते हैं, ठीक है, या ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है ना। तो ये सारी चीजें, जिस दिन हमें इन सब चीजों का ज्ञान होने लग जाएगा, उस समय हमारा अपना स्पोकन अपना आप इंप्रूव हो जाएगा, जब हमें नॉलेज हो जाएगी, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, कौन से वाला बैच स्टार्ट करूं मैं? स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी, 10-15 दिन के बाद। ये वाला स्टार्ट करूं, इस ये टॉपिक वाला, या वही वाला जो दुनिया चला रही है, जिसमें क्या कहते हैं स्पोकन, मैं गाना गा रहा हूं, इसकी इंग्लिश बनाओ क्या होगा, मन लगा लगा, मैं खाना खा रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम क्या कर रही हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वो वाले। दुनिया वाला, हाँ, तो अगर दुनिया वाला तुम्हें चाहिए तो दुनिया वाला फिर तुम दुनिया से ही पढ़ लो, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है बेटे। दुनिया वाला जो है ना, वो दुनिया वाला ही पढ़ लो फिर, तुम पढ़ा तो रहे हैं, जो चीज लोग पढ़ा रहे हैं उससे तो कहीं से भी पढ़ लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना बेटे? चलो भाई स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। चलो अब डेली आप लोगों को क्लास में डेली कराऊंगा मैं वोकैबलरी, ठीक है? और डेली वोकैबलरी में अभी तक तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे, वोकैब कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि पेपर में सिनोनियम्स भी आते हैं, एंटोनियम्स भी आते हैं, वन वर्ड भी आते हैं, ईडियम्स भी आते हैं, फ्रेजल वर्ब भी आते हैं, फिलप्स भी आते हैं, ठीक है भाई, स्पेलिंग एरर भी आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको टोटल डेली कराया करूंगा, जिस और थोड़े थोड़े कराया करूंगा, बहुत सारे याद नहीं होते, थोड़े थोड़े डेली कराया करूंगा, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक भाई मेरे, चलो अब फटाफट ध्यान से सुनते रहना, और डेली सेट वाइज कराऊंगा, एक सेट डेली कराया करूंगा। तो आज ही हम लोग कौन सा सेट करने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कौन सा सेट करने जा रहे हैं हम आज? चलो भाई, तो सेट नंबर वन करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मैं तुम लोगों को 100 सेट कराऊंगा। कितने सेट कराऊंगा मेरे भाई? 100 सेट कराऊंगा। 100 सेट जिसने कर लिए, दुनिया की कोई वोकैब उसके बाहर नहीं जा सकती, और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें ये लर्न कराने की। देखना कैसे लर्न कराऊंगा, इस हिसाब से बनाऊंगा, डिजाइन करूंगा, इस हिसाब से क्वेश्चन टेस्ट लिया करूंगा कि तुम्हारे तुरंत क्लियर हो जाएंगे। हाँ, मैंने एक स्टोरी पढ़ा दी थी, एक स्टोरी चाइल्ड लेबर वाली है, बची है, चाइल्ड लेबर वाली स्टोरी जो है उसको मैं किसी दिन सैटरडे की क्लास लेके अलग से कराऊंगा, सैटरडे में,
यानी कि डेली क्लास में नहीं, उसे अलग से कराऊंगा। जिस दिन मुझे अलग से 2-2.5 घंटे की क्लास लेनी होगी, उस दिन केवल वोकैब की स्टोरी ही कराऊंगा, ठीक है? उसे अलग से लेंगे हम लोग। अब साथ के साथ फटाफट क्या करना, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिखना शुरू कर दो, बहुत तेजी से, जल्दी करो फटाफट। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बहुत तेजी से और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई? चलो, पहला सेंटेंस, पहला वर्ड देख भाई। पहला वर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? मोमेंटस अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है? हालांकि इससे आपके कोई काम की बात नहीं है, पेपर में नहीं पूछेगा कि एडजेक्टिव है या क्या है पार्ट ऑफ स्पीचेस का, लेकिन बता फिर भी मैंने। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। जितनी हिंदी में लिख सकता हूं उतनी हिंदी में लिखूंगा, अदरवाइज मैं बोलूंगा उसे लिखते चलना। मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है? इसका एक सिनोनियम लिखो जल्दी से, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, दूसरा लिखो सैलियंट, SALIENT, फटाफट लिखते चलो, और मुझे इसका आंसर भी बताओ जल्दी से। जल्दी, बहुत तेजी के साथ। ग्रीन पीपीटी, चलो कल से देखेंगे फिर, कल से ग्रीन पीपीटी में भी कोशिश करेंगे, अगर ग्रीन पीपीटी में ही करना है तो वो भी देखा जाएगा। चलिए, तो मोमेंटस का मतलब, अरे यार हाँ तो सही तो है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, सी, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, हैक्टिक लिखो। हैक्टिक शेड्यूल कैसा होता है, बिजी शेड्यूल, ठीक है? व्यस्त, हैक्टिक का मतलब होता है व्यस्त। अब मैं हिंदी में व्यस्त नहीं लिख सकता, तुम लिखो बिजी। मेलंकली, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मेलंकली, क्या पढ़ेंगे इसे, मेलंकली। मेलंकली होता है निराशा। मेलंकली क्या होता है, निराशा। मेलंकली इज निराशा। इसका सिनोनियम क्या होगा, सैडनेस, SADNESS, सैडनेस, या डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन, या पॉइग्नेंट, PoignantP, पॉइग्नेंट, या डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड, या ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी, ग्लूमी, निराश, डिसअपॉइंटेड, या मॉर्नफुल, मॉर्नफुल, या डोलफुल, DOLEFUL, डोलफुल, ठीक है? लिखो फटाफट जल्दी से। अब बताओ, अगर इस तरीके से हम चलने लगे तो तुम्हें लग रहा है कोई पेपर छूटेगा? भाई साहब बैंड बजा देंगे, बैंड, जिसे बैंड बाजा बारात कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था धीरे धीरे यूनिक यूनिक चीजें लाऊंगा आगे चल के।
हाँ जी स्पीड पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट अगला। नेक्स्ट है जी आपका मेमोरेबल। मेमोरेबल क्या होता है? यादगार, रिमेम्बरिंग। मेमोरेबल क्या हो जाएगा? रिमेम्बरिंग, यादगार। लिखो फटाफट। हाँ जी बिल्कुल, मेमोरेबल इज यादगार। नेक्स्ट अगला बताओ फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है इसमें आपका स्पेक्टेकुलर। हाँ भाई, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय इंडियन क्रिकेट टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सॉरी पाकिस्तान। तो स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या हो जाएगा? शानदार। स्पेक्टेकुलर मीन्स शानदार, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन के हिसाब से बताओ क्या होगा? रिमार्केबल, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक कैसी चीज होती है? उपजाऊ। प्रोलिफिक होता है उपजाऊ, यानी कि फर्टाइल, फर्टाइल या फ्रूटफुल, फ्रूटफुल उपजाऊ। हेल्दी स्वस्थ, ये तो सबको पता है हेल्दी। कॉय क्या होता है? शर्मीला। कॉय इज शर्मीला, इसी को हम क्या बोलेंगे? शाय, शाय। इसी को क्या बोलेंगे? शिपिश, शिपिश, शाय, शर्मीला। हाँ बेटे आराम से एग्जाम फोड़ोगे आप। अरे इजीली कर लोगे बेटा, बहुत आसान है। इतना अभी तो मैंने शुरुआत की है, फिर देखो। चलो नेक्स्ट हो गया भाई, शानदार हो गया। इसका एक और सिनोनियम लिख देंगे हम लोग, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड भी क्या होता है? शानदार। स्प्लेंडेड का मतलब भी क्या होता है? शानदार। अगला वर्ड है एमिकेबल। अगर हम किसी के साथ एमिकेबल रिश्ते रखते हैं तो इसका मतलब हमारे कैसे रिश्ते होते हैं उससे? हाँ भाई, कैसे रिलेशन होते हैं हमारे? हमारे रिलेशन होते हैं उससे दोस्ती वाले। कैसे होते हैं? दोस्ती वाले रिश्ते होते हैं, तो फ्रेंडली रिलेशन हो जाएगा। एमिकेबल का मतलब है फ्रेंडली। इसी के लिए हम लोग लिख देंगे कॉर्डियल, कॉर्डियल रिलेशन। कॉर्डियल रिलेशन भी कैसे होते हैं? मित्रता वाले, फ्रेंडली। ल्यूशेंट, ल्यूशेंट चेहरा किसी का कैसा चेहरा होता है? ल्यूशेंट फेस कैसा होता है? ब्राइट। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट मतलब क्या होता है? इम्प्रूव, इम्प्रूव हिंदी में सुधार करना, किसी चीज को बेहतर बनाना, ये होता है एमिलियोरेट। और ये क्या है? फिकल। ये सिकल नहीं है बच्चों, इसे हम लोग फिकल करेंगे, FICKLE। फिकल का मतलब लिखो अनस्टेबल। फिकल माइंड, अनस्टेबल माइंड, जिसे हम लोग कहते हैं सनकी, सनकी, जिसके दिमाग में सनक भरी होती है, सनकी। या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? मर्क्यूरियल, MERCURIAL, मर्क्यूरियल, ठीक है। या विम्सिकल, विम्सिकल भी कैसा बंदा होता है? सन की होता है, अनस्टेबल माइंड होता है। विम्सिकल, अनस्टेबल माइंड। हाँ कॉपी करो, तभी तो फास्ट चलूंगा मैं। करो 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 फटाफट, पहले कॉपी करो जल्दी से, फिर फास्ट चलते हैं। अगर कॉपी हो गया हो तो थम्स अप मार देना फटाफट।
गया। चलिए नेक्स्ट, अब आ गए एंटोनियम। ये तो क्या थे अभी तक सिनोनियम, अब पढ़ेंगे हम लोग एंटोनियम। ठीक है, नेक्स्ट पहला है, फर्स्ट है बेस। बेस का मतलब क्या है? आधार। ठीक है जी, या इसी को हम कह देंगे लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, या इसी को हम कह देंगे नेदर, NADIR, नेदर। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा जेनिथ, क्योंकि जेनिथ क्या होता है? एक्मे, ACME, या पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल, पीक, एपेक्स, चोटी, शिखर। ठीक है जी, इसे हम लोग कहते हैं शिखर, शिखर पर पहुंचना। ठीक है जी, तो ये होता है हाईएस्ट पॉइंट। इंसेप्शन क्या होता है? शुरुआत, शुरुआत, किसी काम की शुरुआत, इंग्लिश में बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ समथिंग, किसी कार्य की शुरुआत। गोपाल पटेल, एनडीए 2023 के लिए काफी होगा? काफी नहीं, ज्यादा होगा, काफी तो बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है जी, मलार की, अच्छा क्लाइमैक्स क्या होता है किसी चीज का? मूवी का क्लाइमैक्स मतलब एंड, समाप्ति। ठीक है, मलार्की क्या होता है? मलार्की, मलार्की होता है बकवास, बकवास, बकवास बंद कर, मलार्की। इंग्लिश में लिखेंगे नॉनसेंस टॉक, नॉनसेंस टॉक। लिखो, कॉपी करो फटाफट जल्दी से, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। हो गया भाई, नेक्स्ट अगला वर्ड है नाइव। नाइव क्या होता है बेटा? सीधा साधा। नाइव क्या होता है मेरे बच्चे? नाइव होता है सीधा साधा। कैसा बंदा होता है नाइव? सीधा साधा। तो इसका सिनोनियम क्या होता है? क्रेडुलस। क्रेडुलस बंदा कैसा होता है जी? सीधा साधा। जो बंदा क्रेडुलस है वो कैसा है? बिल्कुल सीधा साधा होता है। कैसा होता है भाई? सीधा साधा होता है। ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो उल्टा क्या हो जाएगा? कनिंग। कनिंग कैसा हो जाएगा? चालाक। हाँ जी, कनिंग क्या हो जाएगा? चालाक। ऑपुलेंट लिखो, ऑपुलेंट बंदा, ऑपुलेंट इज रिच। जो बंदा ऑपुलेंट है इसका मतलब वो क्या है? रिच है, अमीर है। ऑपुलेंट मतलब रिच, अमीर। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट आगे लिखेंगे इसके बाद। ऑपुलेंट हो गया, रिच। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ऑपुलेंट रिच हो गया, फिर आ गया कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट क्या होता है? प्लम्पी, PLUMPY, प्लम्पी, मोटा, चबी, CHUBBY, चबी, फैट, गोल मटोल। अगला है मॉइस्ट। मॉइस्ट क्या होता है बेटा? गीला। मॉइस्ट होता है गीला। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एरिड। एरिड मतलब सूखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई। एरिड इज ड्राई। ठीक है, अब इसका एक सिनोनियम है डैम्प। डैम्प भी इसका क्या हो जाएगा बेटे? सिनोनियम। डैम्प मतलब भी क्या हो जाएगा? गीला। ठीक है जी, डैम मतलब क्या होता है भाई? डैम मतलब होता है गीला। ठीक है जी, वेट। ब्रेजन क्या होता है? ब्रेजन, ब्रेजन होता है बेशर्म। ब्रेजन क्या होता है? बेशर्म। ब्रेजन इज
बेशर्म, जिसे हम लोग बेशर्म कहते हैं, वो होता है ब्रेजन। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या हो जाएगा? बेशर्म हो जाएगा, ठीक है जी। शेमलेस, SHAMELESS, शेमलेस, शेमलेस, ठीक है जी। इसी का डी ऑप्शन क्या है? गैलेंट, GALLANT। गैलेंट क्या होता है? ब्रेव। गैलेंट्री अवार्ड आपने सुना होगा, गैलेंट्री अवार्ड बहादुरों को मिलता है, तो गैलेंट क्या होता है? ब्रेव। ओ क्या होता है? ओ बेटा, ओ मतलब होता है रिस्पेक्ट। ओ इज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समवन। सीडीएस में बेटा पांच इजी आती हैं, पांच टफ आती हैं, पांच इजी और पांच टफ। तो मॉइस्ट मतलब गीला होता है, और गीले का उल्टा सूखा एरिड, एरिड मतलब क्या होता है? ड्राई, ड्राई सूखा। ठीक है भाई, चलिए। तो अब मैं इसकी पीडीएफ आपको दे रहा हूं, क्योंकि टाइम हो गया है और रॉबिन सर की उधर क्लास स्टार्ट होने वाली है। कल मैं यहां से स्टार्ट करूंगा इसको नेक्स्ट आगे, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और इसके पहले से ही नोट्स बना के रख लेना, ठीक है, फिर आते ही फटाफट सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक भाई। और अगर मेरे साथ चलते रहे, और हाँ एक चीज और ध्यान रख लेना, ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना, इनमें भी चेंजेस करने वाला हूं मैं, क्योंकि जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग वोकैब आ रही हैं, तो वो वोकैबलरी डालूंगा मैं इसमें, ठीक है। तो केवल 10-20 सेट नहीं कराने वाला हूं, 100 सेट से ऊपर जाऊंगा, 100 सेट से, ठीक है। और कंप्लीट वोकैबलरी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, ईडियम, क्योंकि सिर्फ सिनोनियम करने से काम नहीं चलेगा, हमें सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर डेली एक सेट दिया करूंगा, और कल से नए क्वेश्चंस इनमें ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, कल से नए क्वेश्चंस ऐड होना, कल से जो पीडीएफ मिलेगी ना आपको, उसमें नए क्वेश्चंस ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो डेली के डेली नोट्स बनाने, डेली के डेली रिवाइज करना है। तो आज दो पीडीएफ आपके पास जाएंगी, एक तो इससे आगे की प्रपोजिशन की, और एक इससे आगे की किसकी? वोकैबुलरी की, यानी कि ये वाली जो आपको घर से करनी है, ठीक है, ये आपको घर से एक बार लिख लेनी है, और कल आते ही मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक भाई। पीडीएफ वाई बैकग्राउंड में देना, हाँ जी, पीडीएफ वाई बैकग्राउंड में, पीडीएफ वाई बैकग्राउंड में मिलेगी, बिल्कुल यही वाली वाई बैकग्राउंड की ही पीडीएफ आपको दूंगा मैं, ठीक है। टेस्ट का टॉपिक बता दो, टेस्ट का टॉपिक है आपका बेसिक्स, इंग्लिश के जो बेसिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसका पूरे का टॉपिक उसका होगा, ठीक है भाई। सीडीएस के लिए अभी यही करना है, इसके बाद जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और टफ लेवल कराऊंगा तब उसको करना है, क्योंकि 60% सीडीएस में बेसिक इजी आता है और 40% टफ आता है, तब करना है सीडीएस के लिए, ठीक है। मतलब ये तो करने ही करने हैं, बेसिक तो करने ही करने हैं, ठीक। ठीक है, चलो, हाँ, तो कल से ग्रीन में करा दूंगा, वो तो कोच के पास दोनों पीपीटी हैं। चलो, तो बस यहीं रखते हैं, नेक्स्ट कल ये रिवाइज कर लेना यहाँ तक, और कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।